लाइए देखे, हरी मिर्ची, मैंने उसको बोला हरी मिर्ची डालना भाई इसमें। ओए होए होए, ये देखने वाला। हाँ जी, अभी निकलेगी हमारी रोटी गरम गरम। ओए होए होए, एक तो जी तीन रोटियां हमारी हो गई रेडी। ये है आलू वाले पराठे और प्लस में सादे पराठे भी बनते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है दोस्तों, मैं हूँ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ फुलपोटरो मक्का मुकरमा से। तकरीबन अभी सुबह के या रात के कह सकते हैं 2 बज रहे हैं। तो मैं अपने घर से निकला हूँ और यहाँ से जाऊँगा सीधा एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ से कुछ ख़रीदूँगा खाने के लिए। उसके बाद जो है अबू माजिद के साथ मिलके जो है हम आज की सैरी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हाँ जी, मैं पहुँच चुका हूँ मुतम अबू नाइफ या कश्मीरी होटल भी कह सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो चलाते हैं कश्मीर के भाई हमारे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मुर्गी है, मुर्गी कढ़ाई मुर्गी बनाए एक बड़ा परफेक्ट टिका आ गया ना, मिर्ची विर्ची डाल के ऐसा करके ना जबरदस्त। यहाँ पे और भी ठीक ठाक माहौल है, ये पाए हैं, गोश्त है, कीमा है, सब्जी है, दाल है, सब कुछ है, मगर आज मैंने खानी है कढ़ाई मुर्गी। भाई को बोला भाई टिका के मिर्ची टी बनी होती है मुर्गी, बस वो मिर्ची विर्ची मसाले वसाले डाल के ना ज़रा फ्रेश बना के देते हैं ताकि कस्टमर को ना बिल्कुल ताज़ा चीज़ मिले। ये हो गया जी हमारा पार्सल रेडी। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, चेक करो। वाह, चलें उधर से लेते हैं रोटी। ये माहौल है जी इधर अंदर का, यहाँ पे है रोटियाँ, इधर पराठे पक रहे हैं भाई। ये है आलू वाले पराठे और प्लस में सादे पराठे भी बनते हैं इधर। फुल पाकिस्तानी माहौल है भाई। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और यहाँ पे है सादा रोटी, ये तंदूर है सादा रोटी। हमें चाहिए रोटी भाई, पराठे बिल्कुल भी नहीं खाने। अबू माजिद को मैंने बोला भाई, अबू माजिद ने बोला भाई एक पार्सल बहुत है और थोड़ा सा वो भी कुछ लेके आएंगे, तो समझ लें हम दो बंदे काफ़ी हो गए। ये भी निकलेगी हमारी रोटी गरम गरम। ओए होए होए, एक दो तीन, बस एक हो गई, एक दो हो गई जी तीन, तीन रोटियां हमारी हो गई रेडी। रहमान रहीम। चलें जी, मैंने खाना ले लिया, यहाँ से अभी निकलते हैं सीधा अबू माजिद की तरफ। उम्मुल कुरा शारा सिद्दी जिधर मेरी रिहाइश है वहीं से गुजर रहा हूँ भाई। हमारे लेफ्ट साइड पे आएगा अलबेक, इस तरफ है अलबेक। ये देखिए जी, ये आ गया हमारा अलबेक। ये रात के नज़ारे भाई खूबसूरत, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। एक सुपर मार्केट में आ गया हूँ भाई, यहाँ से लूँगा पानी और एक डिब्बा जो है लूँगा मैं दही का। ये देखिए सामने है दही, दही अलमराई की और दो पानी, पानी की डर है भाई पानी। माशाल्लाह बेहिसाब वैरायटी है भाई इधर पानी की भी, आपको एक किस्म का पानी नहीं मिलेगा। ये हाफ रियाल वाला ही नहीं, मुझे एक रियाल वाला चाहिए इसको, या एक काम करता हूँ ये बड़ा वाला ले लेता हूँ। ये सही है, ये सही रहेगा। ये है 1.5 लीटर और एक हो गई दही। इसको कैसे पकड़ूंगा मैं ऐसे, ठीक है। इसको पकड़ने का यह तरीका है, अगर पानी थोड़ा बड़ा हो ना साइज में तो उसको ऐसे फंसाएं उंगलियों में, वो दही हाथ में पकड़ के बिस्मिल्लाह करके निकल जाएं। कैशियर के पास वो आपसे लेगा पैसे और वो थैली में डाल के आपके हाथ में पकड़ा देगा, चलो भाई बोलेगा जाओ। शुक्रिया। नहीं, ये हो गया भाई,
पानी और दही प्लस में गिलास उसने फ्री में दिए मेरे को। अभी अबू माजिद का वेट करेंगे उधर, थोड़ा आगे जाके मैं अबू माजिद आते हैं तो सहरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं भाई मक्का मुकरमा के खूबसूरत रोड पे। अबू माजिद का इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, मैं रोड की साइड पे बैठा हुआ हूँ बड़े मज़े से, इधर गाड़ी पार्क की है और अबू माजिद जो है अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, बोला कि मैं रास्ते में हूँ भाई। और ठंडी ठंडी हवा लग रही है माशाल्लाह तबारकल्ला, पहली दफ़ा जो ये रमज़ान जो है मक्का मुकरमा में इतने अच्छे मौसम में आया, बहुत ही मज़े का मौसम है यकीन करें माशाल्लाह तबारकल्ला। ये आ गए जी अबू माजिद, गाड़ी पार्क कर रहे हैं, हम निकाल लेते हैं इसमें से सामान। अस्सलाम वालेकुम दाटो सीलो को पिवा ओके जी अबू माजिद माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं, निकालते हैं खाना, टिका आगे भूख लगी है यकीन करें। बहुत ठंडे माशाल्लाह तबारकल्लाह मक्का मुकरमा में पहले ऐसे कभी मौसम नहीं हुआ रमजान। हाँ जी बिल्कुल ताइफ वाला माहौल है पूरा। माजिद देखें भाई माशाल्लाह कुर्सी जो टेक लगा के बैठते हैं वो बना के लेके, ये देखें ये ज़्यादातर मैंने देखी है, ये हरम पाक में बहुत होती है ऐसी है ना। हाँ देखिए चाय भी बनवा के लाए घर से बेचारे, अल्लाह इनको जज़ा है खैर दे माशाल्लाह तबारकल्लाह। सुफरा लग गया है भाई हमारा सहरी का माशाल्लाह तबारकल्लाह, पाकिस्तानी कढ़ाई मुर्गी चावल अरबी और प्लस में ये फहम मुर्गी जो कोयले पे पकती है वो लेके आए और घर से चाय वगैरह बना के लाए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। बड़ी हाँ एक दूध वाली है एक ग्रीन टी, या सलाम बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह खैर। ये भाई सहरी है हमारी तो बिस्मिल्लाह करते हैं शुरू करते हैं। आज हमारी सहरी सबसे पहले जो है पाकिस्तानी कढ़ाई मुर्गी को ज़रा चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह करते माशाल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह, ये देखें हरी मिर्ची, मैंने इसको बोला हरी मिर्ची डालना भाई इसमें। ओए होए होए ये देखने वाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर किस्म की मुर्गी बनी है ना। नहीं माशाल्लाह मज़ा आ गया भाई। चटनी के लिए हमें कोई बर्तन नहीं मिला भाई, अबू माजिद ने बोला भाई इसी जो ये जो पैकेट था उसका चावलों का उसी में डालो, मैंने कहा ठीक है भाई। अभी जो है हमारी चटनी इसमें हो गई शिफ्ट माशाल्लाह। आपकी एक चीज़ पड़ी हुई है अच्छा, ये मेरे अच्छा 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 ये स्पेशली मैंने लिए थे। ओए होए होए मिर्च के बगैर वाकई, पहले कढ़ाई मुर्गी से थोड़ा निपट लें उसके बाद इसका नंबर आएगा भाई। उसमें थोड़ी सी चटनी से डुबकी लगाओ फिर मज़ा आता है मुर्गी को ऐसे करके। अबू माजिद मेरे लिए मिर्ची लेके आया भाई, सही तीखी है भाई, बहुत तीखी है माशाल्लाह जबरदस्त। कढ़ाई मुर्गी को तकरीबन भाई मैंने ख़त्म कर लिया, अबू माजिद तो बातों में लगे रहे, मैंने मुर्गी का पूरा काम सत्यानाश कर दिया। देखिए अभी बारी है जी चावल और ये फाम के अल्फाम जिसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावल बिल्कुल ठंडे हो गए भाई, मुर्गी थोड़ी सी गर्म है अभी भी। अरे वाह दही ना तो डालने भूल गया भाई। हाँ जी अभी मज़ा आएगा ना,
समझ दें, तहीना ऐसा है कि चावल का जो निवाला है ना उसको आपस में ज्वाइन कर देता है। ये देखें अभी माशाल्लाह, मिर्ची है ना, हरी मिर्ची माशाल्लाह, मज़ा आ गया माजन, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये जो आपने चॉइस किया ना अपने मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मेन चीज़ें रोड के किनारे पे, नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई भाई, टिका के बिल्कुल, भूख मुझे बहुत लगी थी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अभी सहरी के बाद भाई चाय की बारी है। अबू माजिद घर से बना के लाए चाय यार, माशाल्लाह तबारकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह दूध पत्ती लेके आए भाई, ये देखें वाह वाह वाह, बस अब माजिद बस जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखें घर की बनी हुई दूध पत्ती चाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, खजूरें भी हैं भाई माशाल्लाह, सब कुछ है, पूरा माहौल है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सहरी की अबू माजिद के साथ बहुत मज़ा आया माशाल्लाह तबारकल्लाह, एंजॉय भी की और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा था जैसे हम ताइफ में बैठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अबू माजिद वालेकुम सलाम।